आज मैं और मेरी भाभी जो है वो पास्ता बना रहे हैं। उषा जी चीज़ें बताएंगी सारी जो है। बटर और ये हमने, यहाँ पर चिकन अवेलेबल नहीं था तो हम लोगों ने सॉसेजेस एंड नगेट्स को अपने क्यूब्स में कर लिया। और शिमला मिर्च है, ये मशरूम है, ये ऑलिव्स हैं, बाकी हम लोग सब मसाले डालेंगे, आप देखते जाइएगा। और ये दूध दूध डलेगा और क्रीम है, क्रीम होगी और चीज़ होगी। ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसमें मैंने बटर डाल दिया है। अब जो है आपके अपनी चॉइस के ऊपर है कि अगर आपने मैदा डालना है तो आप डालें, और इट्स अप टू यू के मर्ज़ी है मैदे की जो है। और बाकी ये मैंने जो है वो इसके अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं सारी जो है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें इसमें डालती जाऊँगी, सब जो है मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये मेरी अपनी पास्ता की रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ पास्ता। ये मेरी मदर को मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद है, कि वो मेरे हाथ का ही, जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे तो वो लाजमी मेरे से फरमाइश करती हैं कि तुम पास्ता बनाओ, तो मैं लाजमी उनके लिए जो है वो पास्ता लाजमी बनाती हूँ। ये मैं जो है मैंने बटर में ये डाल दिया, वैसे मैंने ये फ्राई कर ली थी लेकिन ये मैं हल्की सी इनको जो है ना वो सौते कर रही हूँ बटर में जो है, और बाकी भी मैं सारी चीज़ें डालती जाती हूँ साथ साथ जो है। चलें ये मैंने जो है वो इसको कर लिया है सौते, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें जो है वो शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ, और जो है वो हम इसमें अपने मशरूम्स भी डाल देंगे, और जो है वो इसमें हम अपने ऑलिव्स भी डाल देंगे सारे जो है, ठीक है। और हम इसको जो है वो थोड़ा सा हिला लेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम बाकी भी सारी चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। सही है, हमने इसको जो है वो देखें सौते कर लिया हमने इसको, ठीक है। अब हम इसमें हल्का सा जो है वो हल्का हल्का दूध डालेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी आपने जो है वो कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, कितना आपने करना है इसको, का थोड़ा नॉर्मल रखना है या कैसा रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से जो है वो इसमें दूध वगैरह चीज़ें मिक्स करिएगा, ताकि ये जिस तरह से आप खाते हो उसको, क्योंकि मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉसी टाइप का पसंद करती हैं, ग्रेवी उनको बहुत जो है वो बिल्कुल वो पसंद नहीं है कि बस लगी हुई हो बस जो है चीज़ों में, उनको बहुत सॉसी वाला पसंद है, तभी वो मेरे हाथ का इतना पसंद करती हैं। तो ये मैं बनाती जाऊंगी और मैं आपको दिखाती जाऊंगी सारी चीज़ें। बाकी आप अपने हिसाब से, जैसे इसमें नमक है, नमक आप थोड़ा हल्का रखिएगा क्योंकि हमारे सॉल्ट में भी नमक होता है। ये देखें ये मिक्स हर्ब है, तो ये मैं थोड़े से डाल रही हूँ इसमें जो है, और जो है वो ये जो है वो ब्लैक पेपर है, तो ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं। देखें आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डालें कि जितना आपके घर वाले पसंद करते हैं स्पाइसेस, तो उतना उस हिसाब से आप डालें ना। तो मेरे भी घर वाले जो है ये ऑरिगानो है, मेरे भी घर वाले बहुत हल्का हल्का सा चीज़ें पसंद करते हैं, तो मैं बहुत लाइट लाइट सी डालती हूँ चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं डालती। और सॉल्ट का मैं आपको बोल रही थी कि सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी नमक में भी सॉल्ट है और हम चीज़ डालेंगे तो उसमें भी सॉल्ट है, तो वो फिर आप अपने हिसाब से सॉल्ट को डालिएगा, देखिए ऐसा ना हो कि आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि इसकी जो आँच है ना वो आप लो टू मीडियम रखिएगा, उसको हाई पे नहीं करिएगा बिल्कुल भी जो है, क्योंकि ये दूध भी है तो ऐसा ना हो कि दूध बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल पकते पकते जो है वो दूध ख़त्म होता रहा है इसमें जो है, तो टेस्ट भी उसका जो है वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब जो है वो मैं इसमें, ये देखिए ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गई है, अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ, चीज़ के मैंने इसमें ये क्यूब्स इस तरह से करके, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने जो है वो चेडर चीज़ ली है, तो आपके पास जो भी चीज़ हो या आप जो भी चीज़ पसंद करते हो वो आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो है, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो आप पसंद करते हो, और जितना आप चीज़ ही पसंद करते हो आप उतनी चीज़ डालें। हमारे मेरे घर में जो है वो मेरी बहन मेरी भाभियाँ बहुत ज़्यादा चीज़ ही पसंद करती हैं, तो हमारे घर में ज़्यादा चीज़ डलती है, मतलब एक समझ लें कि ये पूरा जो एक ये पैकेट आता है ये पूरा ही मेरे इस्तेमाल हो जाता है मेरे घर में जो है, ठीक है। इस उस पर अब आपने अपनी आँच जो है वो थोड़ी सी स्लो कर देनी है, क्योंकि आपकी चीज़ मेल्ट होगी ना, तो स्लो कर दें आप ताकि चीज़ आपकी जो है वो मेल्ट हो जाए इसमें जो है, देन आपकी चीज़ मेल्ट होगी, उसके बाद जो है वो आगे आप बाकी का प्रोसीजर करेंगे। आप मुझे बताएं कि ये मेरी रेसिपी है, मैं अपनी रेसिपी इस तरह बनाती हूँ, आप लोग पास्ता किस तरह पसंद करते हैं और आप पास्ता किस तरह बनाते हैं, तो मुझे लाजमी कमेंट्स करिएगा कि आपकी रेसिपी क्या है और आप पास्ता किस तरह बनाते हैं, ताकि फिर हम आपकी भी रेसिपी फॉलो करेंगे, हम भी देखेंगे किस किस की कैसी कैसी रेसिपीज़ हैं, किस कौन कौन किस किस तरीके से पास्ता बनाता है। आज मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं सुबह से आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मुझे पास्ता भी बनाना था, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ पास्ता की रेसिपी शेयर कर लूं, तो मैंने इसीलिए व्लॉग नहीं बनाया। तो जिस जिसने मेरा ये
पास्ता की रेसिपी जिसको पसंद आए मेरी, वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर देखने वाले हैं उनको सबको वेलकम करती हूँ मैं। और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिसने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी मेरी न्यू वीडियोज़ होंगी वो आप लोग इन्जॉय कर सकेंगे। मेरी वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी, आप लोग इन्जॉय करिएगा मेरी वीडियोज़ को, देखें। मैं और भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ देके आऊँगी, इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये मैंने मैक्रोनीज़ भी इसके अंदर डाल दी थी, और ये तकरीबन हमारा पास्ता रेडी है बिल्कुल जो है। और जो है वो इसका, अब हम इसमें सिर्फ क्रीम डालना रह गई है एंड में, जो है हम क्रीम डालते हैं और आपको दिखाते हैं सर्व करके जो है। ये रेडी है हमारा पास्ता, और बाकी हम सबसे पूछेंगे फिर जो है खाने के बाद कैसा बना है, सब बताएँगे हमें जो है, हम आपको दिखाते हैं कैसा बना है। ये मैं अपनी अम्मी के लिए पास्ता लेके आई हूँ यहाँ पे। अम्मी ये लो खा के बताओ ज़रा कैसा है, एक चम्मच जल्दी से। ये नहीं, नहीं अभी आपने खाया नहीं है, पहले ऐसे ना बोलो, मुझे बता आपको मेरे हाथ का अच्छा लगता है, बताओ कैसा बना है। यम्मी, थैंक यू, मेरी अम्मी का कमेंट्स आ गया कि यम्मी है बहुत जो है। मेरा ये पास्ता तो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया है सबको, और आप लोग ने अगर इस रेसिपी को मेरी ट्राई करना है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके और मुझे बताइएगा कैसा बनता है आप लोग के पास भी जो है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लें मेरे चैनल को। बाय बाय।